ओम धनवंतरी देवताभ्यो नमः। नमस्कार, धनतेरस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस पर्व पर क्या करें क्या ना करें, भगवान आयुर्वेद, धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता हमारे साथ पंडित जी, पंडित अरविंद तिवारी जी हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दखल न्यूज़ के इस पंच दिवसीय पर्व कार्यक्रम की। जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, कोरोना काल निकला है, सब बहुत पीड़ा से बाहर आए हैं, धनवंतरी भगवान का दिवस है, क्या करें क्या ना करें, किन औषधियों का इस्तेमाल करें, क्या खरीदें कि उनका पूरा साल स्वस्थ गुजरे और माँ लक्ष्मी की कृपा। बिल्कुल, देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ ज्योतिष से, और चूंकि मूलतः ज्योतिषी हूँ और आध्यात्मिक बातें भी आपको बताऊंगा, लेकिन धनवंतरी की बात हो रही है, आयुर्वेद के देवता की बात हो रही है, आयुर्वेद की बात हो रही है, ज्योतिष में शुरुआत चूंकि जन्म कुंडली की बात है तो शुरुआत ज्योतिष से करता हूँ। देखिए, लग्न यानी कुंडली का प्रथम भाव, जो कि जहाँ से आपकी आयु, शरीर और स्वास्थ्य का निर्धारण होता है, इसके अलावा आपकी कुंडली का छठा भाव जो कि रोग का भाव है, यानी धन्वंतरी की आपको पूजा करनी है तो आपकी कुंडली में कौन से रोग हो सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने कुंडली में रोगों का शमन कर सकते हैं, इसका निर्धारण भी आपकी कुंडली करती है। तो क्यों ना आप अपने छठे भाव और अपने लग्न के हिसाब से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करें, ताकि जो कोरोना काल आपने 2 साल देखा है, जो भयावह समय आप हम सब ने और इस पूरे भारतवर्ष ने इस बात को जिया है, कारण बहुत सिंपल सा था। देखिए, अभी शनि मकर राशि में चल रहा है वर्तमान में, जैसे कि आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं यानी 22 अक्टूबर को, तो यानी कल से शनि मार्गी होने वाला है मकर राशि में। अभी वक्री चल रहा था और वक्री शनि जब जब भारत के ऊपर चला है तब तब भारत में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, आप पुराने टाइम को उठा के देख लीजिए, 29.5 वर्ष पहले स्वाइन फ्लू नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, वो भी कहाँ से आई थी, वो भी चाइना से, बिल्कुल चाइना से आई थी, और वहां पर भी जीने मरने जैसी कहानी आ जाती थी और कई मौतें हुई स्वाइन फ्लू। बिल्कुल, स्वाइन फ्लू माने हम बात कर रहे हैं, फ्लू माने आपके नाक कान गला और आपके लंग्स की बात कर रहे हैं। शनि इन भावों को जब भी मकर राशि में होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए, आज धन्वंतरी का दिन है, भगवान धन्वंतरी जिनके बारे में कहा जाता है आयुर्वेद के देवता हैं, और उस समय माने आपको मैं वो समय भी सुनाता हूँ जहाँ उस समय भी कोरोना जैसा बड़ा ज्वर पैदा हुआ था। वो घटना कुछ ऐसी है कि समुद्र मंथन हुआ, देव और दानवों के बीच में इस बात को लेकर तय हुआ कि आखिरकार इस ब्रह्मांड में ना तो कोई रत्न है ना कोई आयुर्वेद जैसी चीज़ें हैं, कभी भी लोग मर जाते हैं। देवताओं के साथ भी वही स्थिति थी, दानवों के साथ भी वही थी, जो आज हम बात करते हैं ना कि देवता अमर हैं, अजर हैं, अमर हैं, तो वो कारण भी केवल भगवान धन्वंतरी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, तो बात आई कि समुद्र मंथन करें। अच्छा, आप देखिए समुद्र मंथन कहाँ हुआ, मैं चूंकि बीच में देवघर झारखंड में था तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ से कोई 40 किलोमीटर दूर जिस पर्वत को उन्होंने मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था, वो पर्वत आज भी वहाँ पर मौजूद है और उसके ऊपर भी रस्सियों के निशान हैं। तो खैर, वहाँ तक ऐसा माना जाता है कि समुद्र वहाँ तक था, देवघर तक समुद्र था, वहाँ तक पूरा समुद्र मंथन किया गया। और समुद्र मंथन जब किया गया तो सबसे पहले उसमें से ज्वर यानी विष निकला और उस विष ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर जकड़ लिया, जैसे कोरोना ने इस पूरे ब्रह्मांड को जकड़ लिया था, उस कोरोना रूपी उस जमाने में विष को कोई पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। सारे लोग त्राही त्राही कर रहे थे, देवता, दानव, असुर, गंधर्व, नाग, किन्नर, सब उसी रूप में परेशान थे। फिर सारे लोग दौड़े दौड़े किसके गए, भगवान शिव के पास कैलाश पहुंच गए कि प्रभु आप ही करो। मैंने रामायण में चौपाई आती है, नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए कि तुम वही विष्णु हो जिसने ज्वर से अपने आप को बचाने के लिए शंकर भगवान को गले में ज्वर पिला दिया, विष पिला दिया, तुम इतने जो है छलिया, इतने छलिया और इतने स्वार्थी हो। ये मैंने नहीं कहा, ये रामायण नारद जी ने रामायण तुलसीकृत रामायण में, चूंकि अभी नवरात्रि थी तो उसमें ये प्रसंग पढ़ने को मिला मेरे को, तो उन्होंने भगवान ने उस विष को पिया यानी उस कोरोना रूपी विष को पिया, यानी हम मान के चल सकते हैं कि उस समय भी मकर राशि में शनि
कहीं ना कहीं वक्री गति से था। और आप देखिए कि जब ये जो तिथि आती है उस समय तक शनि हमेशा मार्गी हो जाता है, मैंने कब अक्टूबर के आखिर काल, तो आप देखिए इस समय भी अक्टूबर में शनि मार्गी हो रहे हैं और कब धनतेरस के अगले दिन। तो आयुर्वेद के देवता आयुर्वेद के देवता भगवान, तो आयुर्वेद के देवता धनतेरस का अवतरण होता है और शनि मार्गी हो जाते हैं। तो आपके जीवन में आपको क्या करना है कि भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करना है। अब आप भगवान धन्वंतरी को कैसे प्रसन्न करोगे, देखिए आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं जो कि ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। हमारे दर्शक जो खासतौर से दखल न्यूज़ को देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए आप आज के दिन क्या करना है, भगवान धन्वंतरी की आपको पूजा अर्चना करनी है। कैसे करें, भगवान धन्वंतरी का कोई फोटो हो, चित्र हो, या आपके पास उनका कोई विग्रह हो, प्रतिमा के रूप में हो, कांस्य प्रतिमा के रूप में हो, या आपके पास किसी भी स्वरूप में हो, आज के दिन आप उनको ले और क्या करें, आप अपने घर में ईशान को जो कि उत्तर पूर्व की दिशा होती है वहाँ पर एक लकड़ी का पटा या बाजू की होती है और वहाँ पर आप श्वेत रंग का वस्त्र, देखिए भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और श्वेत वो रंग होता है, वो जड़ी होती है, श्वेत रंग की एक बहुत सुंदर सी जड़ी होती है, हालांकि उस जड़ी का उपयोग लोग गलत स्वरूप में करते हैं लेकिन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिसको हम कहते हैं श्वेत मूसली, सफ़ेद मूसली जिसको कहा जाता है। दूसरी एक जड़ी बूटी होती है जिसको अश्वगंधा कहा जाता है, यदि आप उस जड़ी बूटी को स्वयं उसका सेवन करते हैं तो अश्व जैसी उसमें गंध होती है और आपका शरीर अश्व जैसा होता है, लेकिन आजकल बाजार में बहुत विनम्रता से कहूँगा कि शुद्ध चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल हो गई, हमारे दर्शक कहीं से भी उसको खोज पाए तो ज़रूर उस पाउडर का सेवन या उस जड़ी को आप पानी में डालकर भी उसके पानी को भी पी सकती हैं। बात आती है अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली की, तो जब आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करें तो उनको आप लकड़ी के पटे पर बिठाएं, मूर्ति की पंचोपचार से पूजा अर्चना करनी है, यानी दूध दही घी शहद और शक्कर, ये पंचोपचार होता है, पंचोपचार से पूजा अर्चना करें, जड़ी चढ़ाएं। अब इस अमृत काल में आपको राशि के अनुसार मैं कुछ जड़ियां बताता हूँ कि कौन सी राशि और कौन सा लग्न का जातक, ये बेहद अद्भुत होगा हमारे चैनल के दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी तक ये था कि धनतेरस वाले दिन बस कुछ खरीद लाइए शगुन का और हो गया पूजन, लेकिन धन्वंतरी भगवान का इस दिन अवतरण है और कौन सी जड़ी आप अपनी राशि के अनुसार भगवान धन्वंतरी को समर्पित करें जिससे आप स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले तो मैं मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहता हूँ कि मेष राशि वाले जातक क्या करें, देखिए गूगल एक होता है मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, गूगल है, चूँकि मेष और वृश्चिक दोनों राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है, तो ये दोनों राशि के स्वामी के जातकों के लिए हैं, तो आज आप गूगल लाइए और गूगल जो है वो भगवान धन्वंतरी को प्रसाद के रूप में आप ज़रूर आप अर्पित करेंगे तो आप पूरे वर्ष भर अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की, वृषभ और तुला दोनों का स्वामी शुक्र है, बात वही सफ़ेद मूसली के लिए आई, चूँकि ये वीर्यवर्धक मूसली मानी जाती है, लेकिन आपके शरीर ये जो जितनी आपकी स्नायु और नाड़ी तंत्र हैं जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो आप क्या करें, आपको सफ़ेद मूसली लेकर आनी है, आप सफ़ेद मूसली बाज़ार में खड़ी मिलती है भगवान को चढ़ाइए, शाम को उसको चाहें तो पानी में डालकर उसका पानी पी सकते हैं या आप उसको पाउडर के स्वरूप में भी सुबह और शाम खाने के बाद ले सकती हैं, किसके लिए है, वृषभ और तुला राशि। अगली राशि आती है मिथुन और कन्या राशि, बहुत सुंदर सी राशि है, बुध के प्रभाव वाली राशि है, कफ कारक राशि मानी जाती है, पेट हमेशा खराब मिलेगा आपको, तो क्या करना चाहिए, आपके लिए बहुत सुंदर सी जड़ी है जिसको गिलोय के रूप में कहा जाता है, आप अपने घर में लगा सकते हैं, मेरे घर में मैंने गिलोय लगा लिया है, तो गिलोय का पत्ता एक सुबह आप लीजिए चबा लीजिए, बिल्कुल पान जैसा पत्ता होता है, तो आप गिलोय के पत्ते को आज भगवान धन्वंतरी को जो मिथुन और कन्या राशि वाले जातक हैं वो आज अर्पित करें और मंत्र वही है जो शेफाली जी ने जिस मंत्र का प्रयोग किया था, यानी ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः, क्योंकि धन्वंतरी को बाद में देवताओं के स्वरूप में हमने स्वीकार किया, तो जब भी जिसको देवताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उनके सामने इस मंत्र को प्रयोग किया जाता है, तो मिथुन और कन्या राशि वाले जातक गिलोय भगवान धन्वंतरी को चढ़ा दें। अब बात आती है फिर कर्क राशि, चंद्रमा जहाँ पर जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मन का कारक है, तो कर्क राशि वाले जातक क्या करें, कर्क राशि वाले जातक आज अश्वगंधा तो जड़ी होती है वो भगवान धन्वंतरी को चढ़ा दे, उसका पाउडर चूर्ण पंसारी के यहाँ मिल जाता है लेकिन मिलावट बहुत है,
तो खुद जड़ी लेके आए, अपने यहाँ घर में मिक्सी में पीसे, पाउडर चढ़ाए और भगवान जो आयुर्वेद के देवता हैं उनको आप प्रसन्न करने की कोशिश करें। सिंह राशि यानी जिसको हम बात करते हैं कि सूर्य के समान जो तेजस्वी राशि होती है, और सबसे महत्वपूर्ण जड़ी जो सिंह राशि वाले जातकों के लिए बाजार में आपको मिलेगी, जिसको हम कहते हैं मकर ध्वज, जो अपने आप में बहुत ताकतवर जिसको जड़ी माना जाता है। तो आज आप मकर ध्वज बाजार से लाएं और भगवान धन्वंतरी को चढ़ा दीजिए। कन्या का मैंने बता ही दिया, तुला राशि वाले जातकों का बता दिया, वृश्चिक का बता दिया, अब मैं धनु राशि का आता हूँ। देखिए धनु और मीन दोनों का राशि स्वामी है गुरु, और गुरु को आपको प्रसन्न करना है तो बाजार में दो जड़ियाँ मिलती हैं, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। दोनों प्रकार की जड़ियों को लाइए और भगवान धन्वंतरी को चढ़ा दीजिए। अब दो राशियाँ बचती हैं, मकर और कुंभ। तो फिर आप आ जाइए, फिर मूसली पे आइए। मूसली का एक दूसरा प्रकार होता है जिसको शाह यानी काली मूसली कहा जाता है। तो आप आज क्या करेंगे, काली मूसली को भगवान धन्वंतरी माने मकर कुंभ राशि वाले जातक भगवान धन्वंतरी को ये दोनों लोग इसका पाउडर चढ़ाएं या जड़ी के स्वरूप में रखें, भगवान को प्रसन्न करें, और स्वयं भी इस प्रसाद को राशिगत रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो उससे आपके शरीर में, आपके स्नायु तंत्र में, आपके शरीर में जहाँ भी परेशानियाँ हैं, तो भगवान धन्वंतरी का न केवल आशीर्वाद मिलेगा, और साथ साथ आप देखिए ठंड का मौसम आ रहा है तो च्यवनप्राश जो हमारे जीवन में प्राचीन काल में कई जड़ी बूटियाँ मिलाकर बनाया जाता था, अब बहुत कम फार्मेसी बनाती हैं, लेकिन जहाँ से भी आपको शुद्ध मिले तो आप ज़रूर भगवान धन्वंतरी को भी उसका भोग लगा सकते हैं। पंडित जी ऐसा भी कुछ है कि अगर ये जितनी आपने जड़ी बूटी बताई हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पा रही, तो च्यवनप्राश का तो भोग लगा, च्यवनप्राश का भोग लगा सकते हैं, बहुत सुंदर, जो च्यवनप्राश आपको अच्छा लगे वो मुझे लगता सारी जड़ी बूटी उसमें होती मिल जाती हैं, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप धनतेरस के पर्व को मनाते हैं। पंडित जी मीन राशि रह गई, मीन राशि मैंने बताया कि छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू, मारे धनु और मीन राशि वाले जातक दोनों के लिए एक छोटा गोखरू ले लें, एक बड़ा गोखरू ले लें, बहुत सुंदर से होते हैं, बहुत सस्ते 100 या 150 रुपये में 250 ग्राम मिल जाते हैं। तो आप इनका भोग लगाइए, उसको कूट के घर में चूर्ण बनाइए, और चूर्ण को आप खाली पेट नहीं, खाना खाने के बाद खाइए, क्योंकि इन जड़ी बूटियों में थोड़ी गर्मी। पंडित जी ये तो आपने स्वास्थ्य की बात बता दी, लेकिन सबका मन तो धन में लगा है। बिल्कुल, तो अब धन की बात अपन कर लेते हैं। बिल्कुल, स्वस्थ रहने की तो उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब धनतेरस वाले दिन सुबह उठें, स्नान करें, जैसा पंडित जी ने बताया है, चौकी लगाएं और उसको भगवान धनतेरस को विराजमान करवाएं और उनका पंचमृत से उनका पंचोपचार से पूजा करें। उसके बाद पंडित जी बात खरीदारी की आती है, और देखा जाता है बाजार पूरा भरा पड़ा है और कोई कुछ भी खरीद लाता है, लेकिन विशेष ऐसी क्या चीजें होती हैं जो खरीदनी चाहिए उसे? देखिए क्या होता है, आयुर्वेद की चीज है, धन से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उस दिन क्या होता है कि एक सिक्का बाजार से आप जरूर लेकर आए, चांदी का, सोने का, जैसी आपकी बस यथाशक्ति हो, लेकिन खास तौर से उस दिन हम भोजन बनाने का सामान जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है, हम ऐसा मानते हैं कि जो अन्न लक्ष्मी है जो हमारे घर में विराजमान होती है और वर्ष भर हमको स्वस्थ बनाती है, तो आप उस दिन थाली, कटोरी, चम्मच या कुकर कुछ भी एक सामान, आप चम्मच तो खास तौर से जरूर खरीदना चाहिए। मैं तो हमेशा एक कटोरी चम्मच एक दर्जन लाता हूँ कि भाई साल भर आप उसी में खाएं, और पुराना जो है उसको रिटायर कर, कलश लेने का भी, हाँ कलश का भी विधान होता है। देखिए कलश क्यों लिया जाता है, कलश ऐसा माना जाता है कि जब उस कलश में जल डाला जाता है और भगवान धन्वंतरी का आवाहन किया जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपने साथ एक अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, सभी देवता अमर हुए, और वो कहानी कुछ यूँ है कि भगवान जो है मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे और जितने भी राक्षस थे उनको मदिरा पान करा रहे थे, तो उन्हीं में से एक राक्षस था राहु, वो स्वरूप बदल के देवताओं की पंक्ति में चला गया, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में वो बैठा हुआ, तो दोनों ने कहा कि प्रभु ये तो राक्षस है, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, तो एक जो गर्दन थी वो राहु बना और धड़ जो था वो केतु के स्वरूप में आया। तो यही कारण है कि अब दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है, तो राहु जो है वो सूर्य को ग्रसेगा और इधर वो चंद्रमा को भी ग्रसता है, तो छोड़ता दोनों को नहीं, इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष में राहु को सब सप्तम भाव यानी राहु और केतु को दोनों को आमने सामने बिठाया गया, उनको कभी भी एक साथ नहीं बिठाया गया, जो वो पूरी तरह से राक्षस के स्वरूप में नहीं है। इसलिए हम ज्योतिष में जो भी आप किसी से परामर्श भी लेते हैं
तो कभी जीवन में ध्यान रखें कि गोमेद के साथ कभी भी लहसुनिया नहीं पहनाया जाता। बहुत सारे लोग गोमेद और लहसुनिया एक साथ पहनते हैं, कभी नहीं पहनना चाहिए। जब उस ईश्वर ने हमारे बड़े जो ऋषि मुनियाँ थे उन सभी ने ज्योतिष में जब उनको एक साथ नहीं रखा, तो आप कृपया अगर अपने हाथ में ना रखें हमेशा अपने से दूर रखें। पंडित जी, कलश चूँकि भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए थे और इसीलिए कलश लेना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। खाना बनाने या खाने के बर्तन ले सकते हैं, सोने या चांदी के सिक्के या सोने चांदी की कोई मूर्ति या जो भी आपकी यथाशक्ति हो वो लेकर अपने घर आ सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पंडित जी, प्रचलन देखा है कि कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई फर्नीचर खरीद रहा है, तो ये सब भी क्या शुभ माना जाता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि आप घर में जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के बाद लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और लक्ष्मी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सफाई की देवी है, स्वास्थ्य की भी हम सफाई की भी देवी है। यदि आपका घर साफ नहीं है तो वो नहीं आएंगी। तो वो आपको स्वच्छ रखना है, तो पर्दे भी खरीदना है, सोफा भी खरीदना है और बाकी सामग्री तो माँ लक्ष्मी के आगमन या स्वागत की तैयारी आप धनतेरस वाले दिन कर सकते हैं। तो पंडित जी, आपका कहने का सीधा तरीका ये है दर्शकों के लिए कि आप माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहते हैं तो धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए जो भी जरूरत है आपके घर में वो सब सामान खरीद सकते हैं। तो ये तो धनतेरस का हुआ। और आप इस प्रकार से धनतेरस यानी आयुर्वेद के जो देवता हैं भगवान धन्वंतरी, कुबेर, चूँकि कुबेर की भी पूजा होती है आज के दिन, जो आप श्री मने जो आप बाजार से खरीद के लाते हो वो अमूमन कुबेर के सामने रखी जाती है, चूँकि वो धन के रक्षक हैं, धन के कोषाध्यक्ष हैं। और रावण के बाद उन्होंने वापस उसको स्वीकारा और अभी भी वही धन के दिक्पाल हैं। तो आज के दिन कुबेर की भी आप पूजा करें, जो कि यक्ष थे, उन्होंने यक्ष संस्कृति रखी, उनके जो मानने वाले थे। यक्ष यानी भोग संस्कृति जिसको कहा जाता है, भोग विलासिता के देवता हैं। तो आप अपने जीवन में भोग विलासिता चाहते हैं, जो हर एक का लक्ष्य होता है कि भाई सुबह वो आप देखते होंगे आज के दौर में व्हाट्सएप पे आप जब देखेंगे तो वे धार्मिक तिथि होगी, तो आपको पूरे 9 दिन नवरात्रि में आप देवी और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें देखेंगे और बाकी सारे दिनों में आप अपने भोग विलास से जुड़ी हुई चीज़ें उस पर आती हैं। तो आप अपने जीवन में भोग और विलास चाहते हैं तो आपको भगवान कुबेर की पूजा करना चाहिए। उनकी कोई प्रतिमा हो, फोटो, तैलचित्र, जो भी आपके पास हो, तो आज उनको भगवान धन्वंतरी के साथ ही उसी पटे या लकड़ी के पटे का विराजमान कराएं, पंचोपचार से पूजा अर्चना करें और उनका बहुत सिंपल सा मंत्र है ओम कुबेराय नमः, साधारण सा मंत्र आप इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप जो लेकर आए शाम को उनको अर्पित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आप जितना भी उनको अर्पित करते हैं वो कई गुना हो जाता है। मान लीजिए आप 1 चम्मच लेके आए तो आपके यहाँ 100 चम्मच, मेरा उदाहरण, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप 1 रुपया रखती हैं तो वो 100 रुपये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उनका काम है चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, तो आप उसको उस तरीके से लें। ये मेरी हमारे दर्शकों से अनुरोध है, इसको ज़रूर करें, मुझे लगता है इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो जाना आपने पंडित जी आपको बता रहे थे कि किस तरह से आप स्वास्थ्य पाएं और किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हो। फिलहाल इतना ही, हम पंडित जी के साथ फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।